सब्सक्राइब करें ऑल अबाउट टेक चैनल को और बेल आइकन को दबा दें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले हासिल करने के लिए। हेलो दोस्तों, क्या हाल चला, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके विंडोज पीसी के लिए एक बेस्ट म्यूजिक प्लेयर लेकर आया हूं जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और इसकी कस्टमाइजेशन भी बहुत अच्छी है। तो दोस्तों इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें और एक्सट्रैक्ट कर लें। एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको ये सेटअप शो हो जाएगा, आपने इसे ओपन कर लेना है और यहाँ पर इसे नेक्स्ट दबा के इंस्टॉल कर लें, एग्री पे क्लिक कर लें और इंस्टॉल दबा दें। तो यहाँ पर दोस्तों आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल हो जाने के बाद दोस्तों आपने ये यहाँ पर चेक मार्क को चेक कर लेना है यहाँ पर, फिर इसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देना है और आपका जो म्यूजिक प्लेयर है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट कर लेना है, काफी सारी लैंग्वेज है, सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट दबा दें, इसके सामने ये विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पर दोस्तों आपने स्कैन पे क्लिक नहीं करना, आपने पहले फोल्डर सिलेक्ट कर लेना जिसमें आपका सारा म्यूजिक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर चलिए म्यूजिक के फोल्डर को सिलेक्ट कर लेते हैं और स्कैन नाउ पे क्लिक कर दें। तो यहाँ पर दोस्तों टाइम लेगा थोड़ा, वीडियो की यहाँ फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारी सारी एल्बम जो है यहाँ पर शो हो चुकी हैं और बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है और काफी अच्छी दिख रही हैं, जैसा कि आपको आपके डिवाइस पे मिल जाता है। और यहाँ पर आप किसी भी एल्बम पे क्लिक कर लें, उसके सॉन्ग्स आपको शो हो जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर किसी म्यूजिक को चला के देख लेते हैं। तो यह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि हमने म्यूजिक को प्ले कर लिया और इसका एल्बम आर्ट भी हमें नीचे शो कर रहा है। तो यहाँ पर दूसरा म्यूजिक चला लेते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं कि एल्बम आर्ट भी इसके साथ चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों नाउ प्लेइंग पे आप क्लिक कर ले तो आपको इसकी एल्बम आर्ट की फोटोज भी मिल जाएंगी यहाँ पर, और अगर आप कोई बहुत फेमस सॉन्ग चला लेते हैं तो उसके साथ दोस्तों आपको लिरिक्स भी मिल जाएंगे और उसका बैकग्राउंड भी चेंज हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों प्लेलिस्ट के टैब में आ जाएं, यहाँ पर दोस्तों आपको सारे म्यूजिक मिल जाएंगे। इसके बाद आप म्यूजिक एक्सप्लोरर में आ जाएं, यहाँ पर आपको जो प्लेयर का सिंगर होगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ पर आप मोर एल्बम पे क्लिक करते हैं और जितनी एल्बम्स इस प्लेयर के नाम से होंगी सब शो हो जाएंगी। यहाँ पर आप लोग प्रोफाइल चेक कर सकते हैं कि इस एल्बम का प्लेयर कौन है, उसके बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ पर आप सिमिलर आर्टिस्ट भी चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप ये पॉडकास्ट में आ जाए और अगर आपके पास यहाँ पर पॉडकास्ट अवेलेबल है तो आप यहाँ पॉडकास्ट भी सुन सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इसकी सेटिंग में चले जाएं, यहाँ पर आप लोग स्किन चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये ब्लू, इसके साथ आपको और भी मिल जाते हैं, जैसे कि आप ये मिडनाइट ब्लू देख सकते हैं, ऐसे काफी सारे स्किन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि आप ये पिंक देख सकते हैं, पिंक प्लस ग्रे, तो इसके साथ ये स्काई ब्लू स्किन भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें काफी सारे स्किन आप लोग चेक कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आप लोग ये विंडोज थीम पे सिलेक्ट करेंगे तो आपका जो विंडो का थीम होगा वो यहाँ पर सिलेक्ट हो जाएगा। तो काफी अच्छा प्लेयर है दोस्तों, मैं इसे काफी देर से यूज कर रहा हूँ और काफी सॉलिड प्लेयर है। और इसकी दोस्तों आप लोग ये सेटिंग में चले जाएं तो आपको यहाँ काफी सारी कस्टमाइजेशन मिल जाती है जो आप लोग अनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो यहाँ से आप लोग अनेबल कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों म्यूजिक प्लेयर जो आप अपने विंडोज पीसी या लैपटॉप पे यूज कर सकते हैं और काफी एक यूनिक म्यूजिक प्लेयर है ये, मैं काफी दिनों से इसे यूज कर रहा हूँ और ये बिल्कुल फ्री है। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लें। और हमेशा की तरह दोस्तों अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर लें, अपने दोस्तों से शेयर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो एक बार फिर दोस्तों आपसे एक नई वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।